एक बार सीतापुर गांव में चार लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तभी वहां से एक जामुन वाला गुजरता है। वो अजीब सी आवाजें निकाल रहा होता है। काले काले जामुन खाओ, चुड़ैल भगाओ, जामुन खाओ, चुड़ैल भगाओ। अरे पुत्तन, मैं वही सुन रहा हूँ जो तुम सुन रहे हो। आए, वो जामुन वाला कैसी आवाजें लगा रहा है? जामुन खाओ, चुड़ैल भगाओ। रोहित की बात सुनकर रोहित के तीनों दोस्त पुत्तन, सुरेश और छुट्टन बोलते हैं। हाँ रोहित, मैं भी यही सुन रहा हूँ, लेकिन ये ऐसी आवाजें क्यों लगा रहा है? तुम तीनों भी ना डरते बहुत हो, रुको अभी बुला कर पूछ लेते हैं। ऐसा कहकर पुत्तन जामुन वाले को बुलाता है। अरे ओ जामुन वाला, यहाँ आ तो जरा। है ई का बोले जा रहा है, जामुन खाओ, चुड़ैल भगाओ। पुत्तन की बात सुनकर जामुन वाला उन चारों के पास आता है और बोलता है। अरे ओ भैया, हमारा नाम जमुना प्रसाद है, तनिक प्यार से बोलो। है और हम सच कह रहा हूँ, हमारे जामुन खाने से बड़ी से बड़ी चुड़ैल भाग जाती है। भाई जमुना प्रसाद, तुम्हारी जामुन बेचने की कला से हम बहुत खुश हुए, चुड़ैल का तो पता नहीं है। फिर चारों दोस्त जामुन वाले से जामुन खरीद लेते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं और रात में जामुन खाकर सो जाते हैं। रात में चारों दोस्तों के सपने में चुड़ैलें आती हैं। अगली सुबह वो चारों फिर मिलते हैं। पुत्तन डरते हुए बोलता है। अरे भैया, कल मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, न जाने कहां से चुड़ैल मेरे सपने में आई और मुझे मारने लगी। सही कह रहे हो पुत्तन, कल हम तीनों के सपने में भी चुड़ैलें आई थीं। इसका मतलब हम तीनों को एक सा सपना आया था। कहीं कहीं ये वो जामुन खाने के कारण तो नहीं हुआ है? अरे तुम भी ना सुरेश, अरे कहीं जामुन खाने से चुड़ैल आती है? तुम कुछ भी सोच लेते हो। फिर वो तीनों कुछ देर बाद अपने अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। पुत्तन अकेले अकेले जा रहा होता है, तभी उसे एक आवाज आती है। पुत्तन, ओ पुत्तन, मुझे भूख लगी है, मेरा पेट तो भर दे। पुत्तन ये आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखता है और देखता है कि पीछे एक चुड़ैल खड़ी है। पुत्तन घबरा जाता है और बोलता है। अरे मर गया रे, ये तो चुड़ैल है, ये कहाँ से पीछे पड़ गई? इससे पहले ये मुझे मार डाले, मुझे यहाँ से भाग लेना चाहिए। ऐसा कहकर पुत्तन जोर जोर से भागने लगता है और चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। पुत्तन अपने घर में घुसकर घर का दरवाजा बंद कर लेता है। तभी उसकी पत्नी तुलसी वहाँ आ जाती है और बोलती है। अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों घबरा रहे हो, किसी से लड़ाई हुई है क्या, डर क्यों रहे हो? तुलसी की बात सुनकर पुत्तन गुस्से में बोलता है। मैं जिंदगी में दो बार घबराया था, जब तेरी वो मोटी माँ को देखा था और जब तेरी उस चुड़ैल बहन को देख। पुत्तन की बात सुनकर तुलसी को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलती है। सुनो जी, ज्यादा मेरी माँ का नाम मत लो, नहीं तो मुझे चुड़ैल बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, फिर दुनिया में कोई मुझसे नहीं बचा पाएगा तुम्हें, समझे? तुलसी को गुस्से में देखकर पुत्तन चुप हो जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। रात में उसके कमरे की खिड़की को जोर जोर से खटखटाने की आवाज आती है। पुत्तन उठ जाता है और खिड़की के पास जाता है, वहाँ उसे चुड़ैल की परछाई दिखती है। चुड़ैल पुत्तन से बोलती है। मेरे शिकंजे में आ जा, तुझे कम तड़पाऊंगी मैं। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। पुत्तन भी चुपचाप डरते हुए तुलसी के बगल में सो जाता है और अगली सुबह वो चारों दोस्त फिर से मिलते हैं। चारों के साथ बिल्कुल एक जैसा हादसा हो चुका होता है। वो चारों वहाँ बैठकर सोच रहे होते हैं, तभी वहाँ वही जामुन वाला आता है। जामुन वाले को देख चारों जामुन वाले के पास जाते हैं और जामुन वाले को पकड़ के गुस्से से बोलते हैं। अबे क्या खिला दिया हमें तूने, कब से खाया है, तब से ये चुड़ैले हम तीनों के पीछे पड़ गई हैं। जल्दी बता, जल्दी बता, नहीं तो आज तेरे सारे दांत तोड़ देंगे।
अरे साहब, हमारी क्या गलती है? मैंने तो सिर्फ जामुन बेचे हैं आपको। और हमारे गांव में कहा जाता है, जामुन खाओ चुड़ैल गाओ। जामुन की बातें सुनकर छुट्टन को गुस्सा आ जाता है। हमें तेरे गांव की ऐसी की तैसी, हमारी जिंदगी खराब कर दी और कह रहा है कि हमारे गांव में बोलते हैं। सच सच बता, नहीं तो तेरे सारे दांत तोड़ दूंगा। हम सच कह रहा हूँ साहब, सच में ऐसा ही है। फिर एक बात समझो आप लोग, अगर चुड़ैल आएगी नहीं तो फिर भगाओगे किसे? अब अगर जामुन खाने से चुड़ैल आई है तो शायद जामुन खाने से चुड़ैल जाएगी भी। फिलहाल मैं तो चला। ऐसा कहकर जामुन वाला वहाँ से गायब हो जाता है। उसे ऐसे गायब होते देख वो चारों और भी घबरा जाते हैं। सुरेश डरते डरते बोलता है, अरे ये भी गायब हो गया। मुझे लगता है ये सब के सब मिले हुए हैं। ये कोई जामुन वाला नहीं बल्कि कोई शैतान या चुड़ैल का ही कोई दोस्त है जो हम चारों को फंसा गया। अब हम चारों मरेंगे और कोई भी हमारी जान नहीं बचा पाएगा। अरे सुरेश, शुभ शुभ बोलो, जान कैसे नहीं बचेगी है? हमारी जान कोई हलवा है क्या जो कोई भी खा जाएगा? अरे होंगे ये सब चुड़ैल वगैरह, हम चारों कोई कम है क्या? छुट्टन की बात सुनकर बाकी तीनों में भी जोश आ जाता है और वो सबके सब फिर वहीं बैठकर चुड़ैलों से बचने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी रोहित कहता है, अरे दोस्तों, मैंने सुना है पास के गांव में साधु बाबा है, क्यों ना उनसे मदद ली जाए। मैं तो कहता हूँ हम चारों उनके पास चलते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। रोहित की बात मानकर वो चारों एक साधु के पास चले जाते हैं और साधु को सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर साधु बोलते हैं, देखो बेटा, तुम तीनों की परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन उन चारों चुड़ैलों को मारने के लिए उस जामुन बेचने वाले भूत को तुम्हें पकड़ना होगा। वही उस चुड़ैल को मारने का रास्ता तुम्हें बता सकता है। अभी तुम जाओ यहाँ से, मेरी साधना का समय हो गया है। ऐसा कहकर साधु वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन शायद उनकी किस्मत अच्छी होती है, उन्हें वही जामुन वाला भूत रास्ते में मिल जाता है। चारों मिलकर उसको पकड़ लेते हैं। छुट्टन भूत को बोलता है, अरे भूत भाई, हम चारों को माफ कर दो, हमने आपकी बड़ी बेइज्जती की है, लेकिन हमारी जान तुम ही बचा सकते हो, नहीं तो वो चुड़ैल हम चारों की जान ले लेगी। अब आया ना औकात में। अरे भाई, हम भूत है तो क्या हुआ, हमारी भी कोई इज्जत है, समझे? हेलो, अब तुम लोग जिद कर ही रहे हो तो तुम्हें बता ही देता हूँ उस चुड़ैल से निपटने का रास्ता। फिर भूत उन चारों को चुड़ैल से निपटने का रास्ता बताकर वहाँ से गायब हो जाता है। वो चारों उस रात रोहित के घर पर ही सो जाते हैं। रात में उनके घर पर दस्तक होती है, चारों उठ जाते हैं, लेकिन छुट्टन में ना जाने कहां से हिम्मत आ जाती है। वो आगे बढ़ता है और दरवाजा खोल देता है। सामने चारों चुड़ैलें खड़ी होती हैं। दरवाजा खोलते ही चारों अंदर आ जाती हैं और एक चुड़ैल बोलती है, तुम चारों एक साथ मिल गए, चलो अच्छा है, आज हम चारों की भी पार्टी हो जाएगी। चुड़ैल की बात सुनकर रोहित और बाकी के तीनों भी हंसने लगते हैं। और तभी सुरेश बोलता है, चुड़ैल जी, आप चिंता क्यों कर रही हैं? हम चारों तो मरने वाले ही हैं, लेकिन मरने से पहले जामुन खाना चाहते हैं। चुड़ैल सुरेश की बात सुनकर हैरान रह जाती है और बोलती है, जामुन खाना चाहते हो? तो खा लो, हमें क्या। तुम चारों की अंतिम इच्छा जरूर पूरी करेंगे। फिर सुरेश, रोहित, पुत्तन और छुट्टन चटकारे लेकर जामुन खाने लगते हैं। चुड़ैलो, ये तुमने क्या किया? तुमने तो अपनी मौत खुद खा ली। भूत के कहते ही चुड़ैलें जलने लगती हैं और थोड़ी देर में ही पूरी जल जाती हैं। आज अपना बदला पूरा हुआ।
अपन तो चले। ऐसा कहकर भूत वहाँ से गायब हो जाता है।